मैं हुसैन टेक्नोर भाई साहब आज आ चुका हूं एक और अमेजिंग फैक्ट के साथ, वो भी फेसबुक का। तो चलो शुरू करते हैं यार। बहुत से भाइयों का जो फेसबुक है वो हैक हो जाता है, या उसका नंबर जो है, उसका ईमेल है, या उसका फेसबुक का पासवर्ड है, वो हैक हो जाता है। तो बहुत ही बुरा लगता है जब किसी का फेसबुक हैक हो जाता है। तो आपको आज तीन सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक को खोलिए, यहाँ पर नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं चेक योर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सेटिंग, यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन सेटिंग। पहले वाला जो है इसको ऑन कीजिए, ये जो है आपको अलर्ट कर देगा कि आपके फोन, आपका जो फेसबुक है वो किसी के फोन में खुल रहा है, या आपका जो ईमेल है वो किसी के फोन में खुल रहा है। तो ये आपको अलर्ट कर देगा। और उसके बाद ये देख सकते हैं ये दूसरे वाला, यहाँ पर क्लिक कीजिए, इसको भी ऑन कीजिए। ये काम करता है कि आपको अलर्ट कर देगा कि आपका जो जीमेल है वो तब तक किसी के फोन में नहीं खुलेगा तब तक आप खुद उसमें नहीं डालें। और इसके बाद यहाँ पर तीसरे वाले में आ जाए। तीसरे वाले में आने के बाद यहाँ पर इसको भी गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए और कंटिन्यू, ये टेक्स्ट मैसेज एंड सिक्योरिटीज इसको भी ऑन कीजिए और कंटिन्यू एंड रजिस्टर सिक्योरिटी की पर क्लिक कीजिए। और ये क्या काम करेगा कि आपका जो फोन जो है वो किसी के फोन में जब खुलेगा तो आपको एक एसएमएस आएगा कि आप उसको परमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।